damn selfish. I want you to myself, I can't help it. हाँ तो जी, कैसे हैं सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। नहीं 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 नहीं, अभी मेरे पिछले व्लॉग में ना मुझे दो तीन लोगों ने ऐसा कहा कि मैं सलाम जो है वो तरीके से नहीं करता हूँ, आधा अधूरा करता हूँ। तो उन लोगों के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मगफिरा। अभी भी मज़ा नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु मगफिरा। व्लॉग है यार, कोई तबलीगी जमात की वीडियो नहीं है। सलाम पे तो छोड़ दो मुझे कम से कम। चलें जी, खैर होता रहता। और वापस से अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैंने, मतलब जितने भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं, कोई 5-6 तो हैं, खैर देखते हैं, खैर हाँ, तो आप लोग इस 5-6 लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ गायब था। असल में ना मैं नहीं बताऊंगा। गुस्सा तो नहीं आया। अच्छा चले, खैर है, आ गया होगा गुस्सा। मैं बता देता हूँ मैं कहाँ गायब था। तो असल में ना मैं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। अच्छा सॉरी, मैं मसरूफ था कुछ अपने जाती कामों में। आपको बताने का क्या मतलब है? मतलब क्यों हर किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना है? नहीं भाई, इंपॉर्टेंट काम था, मसरूफ था मैं। खैर हो गई। अच्छा खैर, मुझे आप लोगों से करनी है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हमारी ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई हमारा आइडियल होता है, जिसे देख के हम कुछ ना कुछ करते हैं। मेरे भी तरह आइडियल हैं, बहुत से हैं। मैं सोशल वर्कर हूँ, तो मेरे आइडियल जैसे कि आप लोग लगा सकते हैं फैसली दी हैं, और उसके अलावा ज़फ़र अब्बास हैं, तो इस तरह के लोग मेरे आइडियल हैं। बहुत बहुत लंबी लिस्ट है। तो उसी में से एक से मुझे मिलने का मौका मिला, और वाकई ये मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट था मेरी ज़िंदगी का, जब मुझे वाकई पहली बार ज़िंदगी में अपने आइडियल यानी फैसिलिटी से मिलने का मौका मिला था मुझे। क्यों हंस रहे हो भाई? क्या मैं नहीं मिल सकता क्या फैसिलिटी? सच्ची में मिला था यार, सच्ची में मिला था, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। पाकिस्तानी अवाम हो ना, लकीर के फकीर मानोगे तो नहीं। जाके देखो कैसे मिला मैं फैसिलिटी से। जाके देखो मेरा ब्लॉग फैसिलिटी के लिए, देखें जाके कैसे मिला। की जो है वो ट्रेनिंग शुरू कर दी है कि वो किस तरीके से साफ करना है हर पेशेंट के शिफ्ट करने के बाद, है वो महफूज रहे। आपके हिसाब से करो, यकीनन चाइना में लॉस हुआ, चाइना के साथ जो है कि अच्छे तरीके से शुरू में उनके पास उनको शुरू में मिसाल बना के दे दी कि इस तरीके से जिस जो है वो उन्होंने अंदाज में अब ईदी साहब के हमसे बिछड़े हुए थे। ईदी की जो मिशन की जितनी भी फलाही सरगर्मियाँ, ईदी सेंटर को यानी आपको हुकूमती तौर पे सर इसमें क्या किया है? के साथ हमारे कुछ शिकायत हैं, वो ये शिकायत हैं कि FBR, तो हमें उनसे अपील है कि ये खैराती पैसा है और ये आवाम से क्या गुजारिश करेंगे, वो कॉन्टेक्ट में ना आए, ज़्यादा कम से कम वो एहतियात से जाएँ तो बेहतर है। और बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जी साहब, और जिस तरीके से हम आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया फैसल जी साहब। मेरी दुआ है, पूरी कौम की दुआएं भी आपके साथ, अल्लाह ताला आपको अपने इस मिशन में हमेशा काम। देख लिया, हो
होगी तसल्ली, नहीं आ रहा था ना यकीन, नहीं आ रहा था ना बिल्कुल भी यकीन, बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था ना। अब मुझे मजा नहीं आ रहा, रुको जरा एक मिनट। टूडिया लगा दी नजर, कभी भी ना कभी भी खूबसूरत आदमी देख के खुश नहीं होना, कभी भी नहीं होना, यानी कैसे लोग हैं यार। खैर तो ये सारी तो हो गई फजूल की बातें। फैसल ईदी को तो आप सब जानते होंगे कौन है वो। फैसल ईदी ईदी फाउंडेशन के चेयरमैन है, यानी ईदी साहब के बेटे। बहुत अरसे से इनका मैं फ़ैन था, और एक जैसे देखा आप लोगों ने मैं इनका इंटरव्यू करा था, तो मैं एक वेब चैनल पे एक प्रोग्राम होस्ट भी हूँ, तो मैं इस तरह के लोगों से मिलता रहता हूँ। और इनसे जब मुझे मिलने का मौका मिला तो मैं उस वक्त बहुत खुश था। ठीक है मेरा पहला इंटरव्यू था, बहुत नर्वस भी था, लेकिन एक बहुत प्राउड मोमेंट मेरे लिए खुद के लिए भी था कि ऐसा लग रहा था कि कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अचीव कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है आप लोगों के बिना। जितने भी मेरे भाई मुझे इस वक्त देख रहे हैं और जितने भी भाई और उनकी बहनें मुझे देख रही हैं, आप लोगों की बहुत दुआ। मेरी तमाम गुजारिश, जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं उनकी बहनें मुझे देख रही हैं, बस दुआ करते रहें इसी तरीके से मैं ना ऊपर चढ़ता रहूँ कामयाबी के लिए। कमेंट करके बता देना भाई बड़ी मेहनत से बनाया, अभी स्टार्ट किया ना ब्लॉगिंग, तो आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, तो जल्दी से बताना कमेंट करके कैसे किया। नीचे नीचे होगा कमेंट, इसे स्क्रॉल करो, दो सेकंड लगेंगे खाली मेरी तारीफ करने में, कर देना, जलना नहीं कर देना तारीफ कर देना। तो भाई आज के ब्लॉग की तरफ से इजाज़त लेता हूँ, सही है, और दुआएं करते रहें कि इस तरह फैसली थी और बहुत से लोगों से मैं ऐसा ऐसा करके अपनी ज़िंदगी में मिलता रहूं, और फिर एक वक्त ऐसा है कि आप लोग मुझसे मिलने आए। फिर इसे हैवी हो गया, चले बाय बाय टाटा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।